नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 के फोर्थ चैप्टर में संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। कल तक अपन ने चालक की धारिता के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में, कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज लेने की जो कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको अपन लोग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। सिंपल सी बात, अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो उस चार्ज में पहले से उपस्थित जो चार्ज होता है वो उसको रिपल्सन फोर्स लगाता है, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, और उस बल के विरुद्ध अपने को चार्ज और देना हो तो जैसे अपन चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसका मतलब चार्ज जो है वो उस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कैपेसिटेंस सी जनरेट होता है अपने फॉर्मूले में। तो अपन ने कैपेसिटेंस का कल लास्ट जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि धारिता का मतलब क्या है, कि किसी चालक द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। उसके बाद अपन ने बात की थी संधारित्र की, कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी साइज को आप बिना बढ़ाओ उसके बावजूद भी वो चार्ज ज़्यादा ले सके, उसकी क्वांटिटी चार्ज लेने की बढ़ जाए, कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाए, तो वो कहलाता है संधारित्र या कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है। तो आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है संधारित्र का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। वास्तव में होता क्या है बच्चों, कि अगर आप किसी भी चालक को चार्ज देते हो, जैसे ये चालक है, कंडक्टर प्लेट है कोई, इस प्लेट को अपने चार्ज दिया तो एक लिमिट तक ये चार्ज लेगी, और उसके बाद जब चार्ज दोगे तो वो चार्ज क्या करेगी, लीक करना शुरू कर देगी, अपने में से एयर में इसको लीक करना शुरू कर देगी। तो एक लिमिट तक इसने चार्ज लिया। अब अपन कह सकते हैं कि तब तक इसकी कैपेसिटेंस जितनी थी वो थी। अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, ये पहली पोजीशन इसकी। दूसरी कंडीशन ये कि अगर इस प्लेट के सामने इसी आकार की कोई दूसरी प्लेट रख दें, जैसे ही दूसरी प्लेट रखोगे तो इंडक्शन के कारण या म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण इस प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन फोर्स के कारण दूसरी साइड रह जाएगा, मतलब इस साइड के भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो प्लेट मैंने, ए प्लेट थी जिसको हमने चार्ज दिया था क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया था मान लो, तो प्लस क्यू चार्ज देने के बाद अपने को इस प्लस क्यू की क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति के लिए इसके सामने एक दूसरी प्लेट रखेंगे, समान आकार की रखेंगे, सेम नेचर की रखेंगे, उसी मटेरियल की रखेंगे। जैसे ही प्लेट रखेंगे, कंडक्टर प्लेट रखेंगे, चालक प्लेट रखेंगे जिसको प्लेट बी कह रहे हैं, तो इस प्लेट के अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज। ये होता है अनोन्य क्रिया के कारण, मतलब इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो प्लेट ए है ये इसके दूसरी प्लेट में जो उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और दूसरी साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करके इसकी इंटीरियर साइड में आ जाएगा, अंदर की साइड में आ जाएगा। तो दूसरी साइड में इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जितने परिमाण का क्यू चार्ज यहाँ था उतने परिमाण चार्ज का नेगेटिव चार्ज अंदर की साइड में जनरेट हो गया और ये प्लस का। ये हो गई दो नंबर पोजिशन। तीसरी कंडीशन क्या है जिसको अपन लोग कैपेसिटर बोलने शुरू कर देंगे, वो कंडीशन ये है कि ये जो प्लेट ए थी उसका टोटल चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी प्लेट ए पर आएगा, ऐसे ही दूसरी प्लेट ये जो बी है उसके अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, प्रोड्यूस हो रहा है एक प्रकार से ये इंडक्शन प्रोसेस के कारण। अब क्या है कि बाहर की साइड से इसको ग्राउंडिंग कर दो, अर्थिंग कर दो, भू संपर्कण कर दो। जैसे ही आप ग्राउंडिंग करोगे इस प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो इसका ये जितना भी चार्ज है सारा का सारा चार्ज किधर चला जाएगा बच्चों, ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे इस प्लेट का जो पोटेंशियल था वो कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, पोटेंशियल वी जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, अपन ने पढ़ा है बच्चों प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होता है उनके बीच में वो जीरो रहता है,
एकदम बीच में क्यों रहता है? क्योंकि जितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है उतना ही रिपल्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होके नेट फोर्स जीरो होने से उसका वर्क की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और वर्क की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल कम हो जाता है। तो सीधा सीधा अपने पास तो दो शब्दों में, ये ज़्यादा बात नहीं लिखनी है, दो शब्दों में ये बात समझनी है कि कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल को कम करके किसी भी कंडक्टर के या चार्ज्ड कंडक्टर के पोटेंशियल को कम करके उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना। लाइन याद रखना बच्चों, कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल जितना भी है उस पोटेंशियल को कम करो। कम किससे करेंगे? बाय प्लेसिंग अनोदर प्लेट सिमेट्रिक टू द सेम प्लेट, यानी कि ए प्लेट है उसी की सिमेट्री की, उसी आकार की और उसी साइज की प्लेट को अपन लोग प्लेस करेंगे उसके बराबर कुछ दूरी पर, तो जिससे पहले वाली प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अगर V कम होगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों? C बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। यही सिद्धांत है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये डायग्राम बन गया, ठीक है। डायग्राम बनने के बाद, ये डायग्राम बना लो बच्चों, डायग्राम बनने के बाद अपन स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? किसी आवेशित चालक का आकार बढ़ाए बिना, किसी आवेशी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाना, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, या सिद्धांत है, ठीक है। लिख सकते हो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हो बच्चों? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस capacitance and decreasing potential of a charged conductor without extending its size is called principle of capacitor, ठीक है। क्या कहलाएगा बच्चों? The process of increasing capacitance and decreasing potential of a charged conductor without extending its size is called the principle of। अब देखो, हमने इस प्लेट का कोई साइज में परिवर्तन नहीं किया, केवल उसके सामने दूसरी प्लेट रखी जिससे उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। मिटा देते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। सुनो बच्चों, दूसरी इसकी परिभाषा और सुनो। दूसरी परिभाषा क्या है? किसी आवेशी चालक के निकट, और दूसरा इसका इसी का स्टेटमेंट, किसी आवेशित
चालक के निकट अन्य भू संपर्कित भूसंपर्कित जिसको ग्राउंडेड बोलते हैं, अन्य भूसंपर्कित समान आकार की प्लेट प्लेट अल्प दूरी पर रखकर, अल्प मतलब कम, अल्प दूरी यानी पास में, अल्प दूरी पर रख कर विभव के मान को कम करके, विभव के मान को कम करके धारिता बढ़ाना, धारिता बढ़ाना संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। यानी इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है जो एक नॉर्मल कंडक्टर से ज़्यादा होती है। आप किसी प्लेट को चार्ज दोगे तो एक लिमिट तक चार्ज लेगी, उसके बाद उसका लीकेज होना शुरू हो जाएगा, क्षरण होना शुरू हो जाएगा, मतलब उससे चार्ज है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जितना चार्ज दोगे उतने वो बाहर निकल जाएगा एक लिमिट के बाद। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, उसके पैरेलल में वापस दूसरी प्लेट रखो जो अनचार्ज्ड है, तो जो प्रोसेस मैंने बताई कि उसकी दूसरी साइड से उसको ग्राउंडिंग कर दो, तो ऑटोमेटिक पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। पोटेंशियल डाउन होने के बाद उसको चार्ज आप और दे सकते हो, तो वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है संधारित्र का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं टू इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस एंड डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर by placing a grounded another conducting plate to increase the capacitance and decreasing potential of a charged conductor by placing a grounded another conducting plate is the principle of capacitor। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों अपने संधारित्र का सिद्धांत या कैपेसिटर का सिद्धांत। वास्तव में बच्चों कैपेसिटर जो है वो क्या है, अच्छा ये चीज़ पहले लिखी नहीं है अपन ने ना, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा नहीं है, फिर भी चलो ये तो हो गया संधारित्र का सिद्धांत। अब वास्तव में संधारित्र क्या है, ये अगर पिछले वीडियो में अपन ने नहीं पढ़ा है तो वापस थोड़ा समझ लें कि संधारित्र क्या है। वास्तव में संधारित्र क्या है बच्चों, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो संधारित्र या कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज विदाउट एक्सटेंडिंग इट्स साइज। कैपेसिटर जो है बच्चों
अगर पिछले वाले टॉपिक में आपने कैपेसिटर के बारे में लिखा नहीं है तो ये थोड़ा ध्यान रखें। एक ऐसी युक्ति जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना, आवेश का संरक्षण या आवेश का संग्रहण, किया जाता है। ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज विदाउट एक्सटेंडिंग इट्स साइज। इसका प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, ये दो प्लेटें एक जैसे। बैटरी का साइन ऐसा होता है बच्चों, ध्यान रखें, एक साइज बड़ा होता है एक छोटा। इसका ये टर्मिनल बड़ा, जो पॉजिटिव चार्ज का होता है टर्मिनल बड़ा और नेगेटिव वाला छोटा, ये बैटरी का होता है। कैपेसिटर का ऐसा होता है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर में कोई प्लस माइनस नहीं लिखते हैं अपन। ये तो होता है कॉन्स्टेंट कैपेसिटेंस का और ये होता है वेरिएबल का, जिसकी धारिता बदलती रहती है वो वेरिएबल, और जिसकी धारिता बदलती नहीं है कांस्टेंट रहती है वो कहलाता है कांस्टेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर की छोटी सी डेफिनेशन थी, उसके तुरंत बाद संधारित्र का सिद्धांत जो अभी मैंने करवाया है। आगे का टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ से इस चैप्टर का उद्भव शुरू होता है, जो एक्चुअल क्वेश्चंस जो बनने शुरू होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है इसमें, कि दो समान आकार की प्लेटें होती है बच्चों और उनको अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। समान ज्यामिति एवं क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर रख दी जाती है। तो इस युग्म को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समान ज्यामिति की, एक जैसे आकार की हो, शेप एक जैसी हो प्लेटों की, एरिया भी एक जितना हो और परस्पर स्मॉल डिस्टेंस से रख दी जाती है। जैसे ये दो प्लेटें हैं बच्चों, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कह देते हैं डी है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अगर इसको हम लोग बैटरी से जोड़ें तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी हुई उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बैटरी के धन सिरे से जो जुड़ी हुई प्लेट है उस पर धनावेश आएगा और ऋण सिरे पर जुड़ी हुई उस पर ऋणावेश आएगा। इन प्लेटों को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये प्लेट है एक, दूसरी प्लेट ये, ठीक। ये टर्मिनल बैटरी से अपने इसको जोड़ देते हैं, प्लस से जोड़ा तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया इस प्लेट पर, माइनस से बैटरी से जोड़ा तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बीच का सेपरेशन प्लेटों के है,
डी कितना कितना है डी। तो ये जो कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब है कि दो प्लेटें हो जो पैरेलल हो एक दूसरे के और आकार में एक जितनी हो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, तो अपने क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र में समान ज्यामिति और क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर रखी जाती है, तो इस युग्म को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इस प्रकार की दो प्लेटें हैं, ये अपन कह भी सकते हैं। अगली बात देखो बच्चों, इंग्लिश में इसको क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट एरिया ए ईच सेपरेटेड सेपरेटेड विथ स्मॉल डिस्टेंस डी। ठीक, एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये तो होगी अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशंस। अगली बात करते हैं, देखो अब अपन कहें कि यदि इन प्लेटों को बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी से जोड़ने पर इन प्लेटों पे चार्ज स्टोर होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी बैटरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पर जुड़ी हुई नेगेटिव पर। यदि इन प्लेटों को बैटरी से जोड़ दें तो प्लेटों पर आवेश संग्रहित होगा और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, इफ दीज प्लेट्स कनेक्टेड विथ बैटरी टर्मिनल then it store charge and electric field produced between plates। ठीक, यदि if a plate have plus q charge and b plate have minus q charge, इसका मतलब ए प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और बी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, यानी कि ये जो दो प्लेटें हैं बच्चों जिनका एरिया जो है वो ए है, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, इनका जो क्रॉस है ये आगे वाला जो एरिया है उसको अपन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्लेट को हमने प्लस से कनेक्ट किया बैटरी के प्लस टर्मिनल से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसको हमने माइनस टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के, तो इस पर ऋण
आवेश जनरेट हो जाता है या स्टोर हो जाता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इनके बीच में उत्पन्न होगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है आगे। यदि प्रथम प्लेट जिस पर क्या आवेश है प्लस क्यू, प्रथम प्लेट पर आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व होता है? ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। कौन सा? पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा हो, वह दूसरी प्लेट जो कौन सी है बच्चों, बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरी प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा हो तो प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र, अब देखो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आधा होगा और इसका आधा, दोनों को मिलाकर टोटल ई होगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, हालांकि कंडक्टिंग प्लेट के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात किया चैप्टर नंबर सेकंड में, वो गाउस के नियम से हमने ज्ञात किया था कि ई का मान इतना होता है, लेकिन ये टोटल होता है। कोई प्लेट ये हमने कंडक्टिंग ले रखी है तो इसके दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर, टोटल जो होता है वो ई होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल एक साइड की, क्योंकि जो संधारित्र है या कैपेसिटर जो है उसके एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर करेंगे, पीछे साइड वाले की अपन यूज नहीं होगा, उसका किसी प्रकार से यूज भी नहीं होगा, चार्जिंग स्टोर में भी ये यूज नहीं आ रहा क्योंकि इसको बाहर से अपने ग्राउंडिंग कर रखी है, तो इस साइड में चार्ज रहने भी नहीं देंगे, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर की साइड में रहेगा, बाहर की साइड में नहीं रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज उस सबको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था उसको हमने ग्राउंडिंग करके न्यूट्रलाइज कर रखा है। इसलिए केवल इन प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हाफ होगा, आधा होगा इसके टोटल मान का। तो टोटल कितना हो गया दोनों प्लेटों के कारण? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसके बीच में जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या लिख देंगे? अतः प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई बराबर समथिंग, प्रत्येक प्लेट के कारण यहाँ लिख देंगे अपन, प्रत्येक प्लेट के कारण ई का मान जो है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये क्यों होगा मैंने अभी ओरली बात बता दी आपको, तो दोनों के कारण कितना हो जाएगा? इतना। ये नेगेटिव है इसलिए इसकी डायरेक्शन जो आएगी प्लस से नेगेटिव की तरफ आएगी, ए से बी की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी बच्चों, ए से बी की ओर। ये डायग्राम भी बना दो। इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं? इफ फर्स्ट प्लेट हैव प्लस क्यू चार्ज, इफ फर्स्ट प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। यहाँ लिख सकते हो इफ फर्स्ट प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड सेकंड प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई इज इक्वल टू इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई इज इक्वल टू इतना। ये बात लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू होता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, तो मोड ऑफ सिग्मा का मतलब हो गया चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। फिर दूसरी बात, यदि प्लेटों के मध्य डी दूरी हो, तो इफ डी सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट, बोथ प्लेट्स, देन ई इज इक्वल टू होता है बच्चों, ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन डी, या फिर
वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। ये मैंने रिलेशन बहुत पहले डिटरमाइन किया था बच्चों कि अगर विद्युत क्षेत्र ई है तो उसको जितने डिस्टेंस तक फैला हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते ही पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। कैसे? अपने पास एक रिलेशन था, ई इज इक्वल टू था माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसको अपनों डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। माइनस का नेगेटिव तो साइन रिप्रेजेंट कर रहा था कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटता जा रहा है, या फिर पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ नेगेटिव होती जा रही है, इसलिए नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट। लेकिन एम्पलीट्यूड के रूप में देखें डी वी तो इज इक्वल टू ई डी आर आता है, तो ये तो अल्प वैल्यू थी। अगर टोटल डिस्टेंस डी हो तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी हो जाता है। ये रिलेशन अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है कि जितना बीच का सेपरेशन है उससे जैसे ई को मल्टीप्लाई करेंगे वो पोटेंशियल के बराबर आएगा, विभव के मान के बराबर आएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। वी क्या है? विभव। डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। तो वी इज इक्वल टू आगे ई डी। अपने को वी क्यों चाहिए? आपको सूत्र याद होगा बच्चों, सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। सूत्र याद करो बच्चों, ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं है। पहले ई ज्ञात कर लो, सिग्मा का मान ये है, तो विच इंप्लाइज ई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिंस वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी, क्योंकि संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है, देखो हमने क्या सीखा है कि विभव यानी पोटेंशियल वी जो है वो होता है ई इंटू डी, सेपरेशन से ई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाए, ई का मान रखा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी का मान रखा, तो सिग्मा का मान क्या होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा का मान क्या होता है क्यू अपॉन ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्योंकि संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सी जो होता है बच्चों वो होता है क्यू अपॉन वी, क्यू का मान पड़ा है, वी का मान क्या है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये Q से Q कैंसिल क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C का मान बच्चों अपने पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी कि C जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, मीडियम के प्रोपोर्शनल है, वैक्यूम की बजाय अगर मीडियम हो तो भी C बढ़ेगा, लेकिन अगर सेपरेशन बढ़ा दें प्लेटों के बीच तो कैपेसिटेंस घटेगा। ये बात पूरी उतार लो। उसके बाद आगे का देखो बच्चों, नेक्स्ट C प्रोपोर्शनल टू है A, पहली बात। दो नंबर कंडीशन, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएं तो C बढ़ेगा। C मतलब कैपेसिटेंस, धारिता। C बढ़ेगा इफ A increase, then C also increase. ठीक है। सेकेंड क्या है, C proportional to epsilon naught। इसका मतलब अगर माध्यम अगर मीडियम हो, माध्यम में धारिता का मान बढ़ता है, यानी कि प्लेटों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दें अपन तो C का मान बढ़ेगा। इन मीडियम C इंक्रीजेस। ठीक है। तीन नंबर मेन बात जो है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन अपॉन D। यदि प्लेटों के मध्य दूरी कम कर दी जाए तो बढ़ेगा, और बढ़ा दी जाए तो C कम होगा। यदि D का मान, मतलब प्लेटों के मध्य दूरी यदि D का मान यानी प्लेटों के मध्य दूरी कम कर दी जाए तो C का मान बढ़ेगा, और इसका उल्टा क्या, अगर D बढ़ा दें तो C घटेगा। ये चीज़ थोड़ी याद रखनी है, इफ़ द वैल्यू ऑफ D इंक्रीजेज देन C विल डिक्रीजेज, और इफ़ D
डिक्रीजेज देन सी विल इंक्रीजेज। ये था पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस की वैल्यू। उपांत प्रभाव मतलब समांतर प्लेट संधारित्र जो है उनको जब हम चार्ज देते हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार फैल जाता है। बच्चों ये प्लस चार्ज दिया हमने, इधर ये माइनस चार्ज फैल गया या इसमें जनरेट हो गया। लेकिन इसके किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण ये बल रेखाएं वक्रीय रूप में हो जाती है। किस रूप में हो जाती है? वक्रीय रूप में हो जाती है बच्चों। किस रूप में हो जाती है? वक्रीय रूप में हो जाती है। ये जो इस पोजीशन है बच्चों, यहाँ प्लस सिग्मा इधर माइनस सिग्मा, ये प्लेट ए थी इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, ये प्लेट बी थी इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, ये बी प्लेट ये ए प्लेट। तो ये जो वक्रीय प्रभाव होता है इलेक्ट्रिक, बीच में सब में का स्ट्राइट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधी रेखाओं के रूप में है प्लस से माइनस की ओर। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वक्रीय रूप में होता है, कर्वेचर कर्व टाइप में होता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं उपांत प्रभाव। क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। क्या हाँ, तो ये उपांत प्रभाव क्या है बच्चों? सामान्यतः प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है, समरूप होता है और स्ट्राइट होता है। लेकिन किनारों पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से ये किनारों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बेंड हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है। तो ये मुड़ने वाली जो घटना है इसको कहते हैं फ्रिंगिंग इफेक्ट या फ्रीजिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं उपांत प्रभाव। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण किनारों पर विद्युत बल रेखाएँ वक्रीय रूप में हो जाती है, इस घटना को उपांत प्रभाव कहते हैं। फ्रिंगिंग इज द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन near the edge of the parallel plate capacitor. Fringing effect also known as the edge effect. इसको edge effect भी बोलते हैं। लिख दो बच्चों, हिंदी में लिखिए बच्चों, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश अधिक होने के कारण प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं मुड़ जाती है या वक्रीय हो जाती है तो इस घटना को उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये लिख दो हिंदी मीडियम वाला, ये डायग्राम भी बना दो अच्छे से। तो हमारे पास सी का टोटल मान आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युता पदार्थ भरने पर, अगला जो अपना टॉपिक है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युतांक पदार्थ भरने पर धारिता। अगला जो टॉपिक क्या है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युतांक पदार्थ भरने पर धारिता। अपना टॉपिक है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के मध्य पराविद्युतांक भरा हो या पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। सिंपल सी बात बच्चों, ये अपने पास संधारित्र की प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं।
ये धनात्मक प्लेट और ये ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट के और ऋणात्मक प्लेट के बीच में हमने इतनी ही मोटाई का, जितना गैप जो है मान लो टी मोटाई का रख दिया। टी जो है डी के बराबर है। मैंने डायग्राम में थोड़ा सा इसका सेप बीच में गैप बताया, लेकिन ये गैप है नहीं, पूरा एकदम फिल्ड किया हुआ है। जैसे फील्ड करोगे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाओगे, तो इसका परिणाम ही इसका मान है एप्सिलॉन। ये नेगेटिव प्लेट, ये बी प्लेट का है, ए प्लेट का है, बिको तो भी चलता है। अब तो सब समझ में आ गया तुम्हारे। इसकी पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा और इसका प्लस सिग्मा। तो कह देंगे इस सीधा सीधा लिखते हैं, इस स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या देगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये ई का मान है बच्चों, ठीक है। इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आ जाएगा, ये समझ। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। ई का मान क्या है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, विच इंप्लाइज सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, दैट इज कॉल्ड V, यानी विभव। यहाँ लिख देना अतः विभव, दस द पोटेंशियल V इज इक्वल टू समथिंग। तो कह देंगे संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन V, ठीक है, क्यू अपॉन V। V का मान क्या है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो C इज इक्वल टू क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आ गया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी। ढंग से देखो तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी ये मान होता है सी नॉट का। तो मीडियम में मान क्या देगा, माध्यम की बात चल रही है, मीडियम का मान चल रहा है, सी इज इक्वल टू आ जाएगा सी जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। मैं कह दूंगा सी जीरो जो है वो है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ये लिख दो बच्चों, ये सी नॉट क्या है, निर्वात में यानी जब माध्यम नहीं हो तब संधारित्र की धारिता है, और माध्यम लगाया हो तो एप्सिलॉन आर गुणा इसका मान बढ़ जाता है। ये उतार दो सारा का सारा बच्चों। फिर नीचे लिख देंगे अतः पैराविद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाती है। अतः पैराविद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ठीक। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, वैक्यूम की एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाती है, ठीक। तो ये हो गया बच्चों अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब उनके बीच में पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। आगे का जो अपना टॉपिक है बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।